एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 6 तक है वो सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेवेंथ वन देखो क्या है। इन ट्राइंगल एबीसी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। और हमको क्या बोला है, इफ एंगल सी इज 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे देखो, अगर हमको ये क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको फिगर बना के नहीं दिया है। ओके, तो चलो साथ में फिगर बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि फिगर कैसे हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे एबीसी। तो यहाँ पे देखो, ये हमने बना दिया हमारा ट्रायंगल एबीसी। ओके, आप नेमिंग कैसे भी कर सकते हो, यानी कि ये जो ट्रायंगल की नेमिंग है ना, वो ऐसे भी कर सकते हो, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी सी, या फिर आप लोग नेमिंग ट्रायंगल की ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो, दिस इज अवर ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ट्रायंगल की नेमिंग ऐसे करोगे तो भी चलेगा, अगर ट्रायंगल की नेमिंग ऐसे करोगे तो भी चलेगा। तो मैं दोनों केसेस बता देती हूँ, अपना आंसर तो सेम ही आने वाला है। ओके, और क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे क्या देखो, दो फिगर्स नहीं बनाना है हमको, मैं आपको बस समझा रही हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, नेमिंग ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे नेमिंग ऐसे करते हैं। ओके, तो बस मैं वही बता रही हूँ। अब आगे क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यानी कि यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग इस फिगर में देखोगे तो एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे है, तो ये दोनों एंगल्स के, ये देखो ये एंगल है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ पे। तो चलो हम लोग बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हम लोग एक रे बना रहे हैं ना, देखो ब्लू कलर में बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे, और वो क्या होगी, हमारी बाइसेक्टर होगी इस एंगल बी की। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए जो है इसकी हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्टर बनाएंगे। ओके, यानी कि रे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो रे है दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंड यहाँ पे देखो ये जो रे है दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर्स है वो कहाँ पे मिलता है, एट पॉइंट ओ। यानी कि ये दोनों रेज एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एट पॉइंट ओ इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आया, फिगर समझ में आया। ओके, अब क्या बोला है, अगर देखो, अगर हम लोग ये वाला फिगर अगर लेंगे तो यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाएंगे। तो ये देखो, ये है हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर, और यहाँ पे ये है हमारा एंगल बी का बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट ओ। तो अगर हमारी नेमिंग ऐसी है तो हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा, अगर हमारी ट्रायंगल की नेमिंग ऐसी है तो हमारा फिगर ऐसा होगा, दोनों ही राइट है। और क्या बोला है हमको, एंगल सी, यानी कि यहाँ पे देखो एंगल सी है हमारे पास 70 डिग्री, और हमको क्या करना है, एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल वो हमको फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर तुम लोग इस केस में देखोगे तो एंगल सी हमको क्या दिया है, 70 डिग्री दिया है, और हमको एंगल ए ओ बी जो है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमको फाइंड करना है। तो आपको कौन सा ट्रायंगल अच्छा लग रहा है, मतलब कौन सा फिगर आपको ड्रॉ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फिगर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा, सोल्यूशन हमारा सेम ही होगा। यहाँ पे देखो, ये जो रे है वो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, उसके लिए सॉरी, बट आप स्केल यूज करोगे तो आई होप आपका तो फिगर परफेक्ट होगा ही। तो हम लोग ये वाला फिगर नहीं लेंगे, हम लोग ये फिगर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, क्या है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी है, और ये जो एंगल ए है और एंगल बी है इनका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये जो रे है, ये जो रे ए ओ है वो क्या कर रहा है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि वी कैन से ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे यहाँ पे देखो, ये जो रे बी ओ है,
ये जो रे बी ओ है वो क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, एंगल बी का। इसका मतलब क्या, ये रे क्या कर रहा है, ये जो पूरा एंगल बी है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, और हमको क्या दिया है, एंगल सी 70 डिग्री दिया है, और हमको क्या करना है, ये जो एंगल है दैट इज एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं ये वाला फिगर थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में अगर हम लोग सोल्यूशन गिवन टू फाइंड और उस फॉर्मेट में लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, गिवन में क्या लिखे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, रे ए ओ, देखो ये रे है, ये रे ए ओ क्या है, हमारी बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए की, और ये जो रे बी ओ है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, और हमारे पास क्या है, एंगल ए सी बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो है 70 डिग्री, ठीक है। ये गिवन में आ जाएगा, टू फाइंड में हमको क्या करना है, एंगल ए ओ बी हमको फाइंड करना है, ओके। तो चलो अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन देखो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी वी नो दैट सम ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज वॉट 180 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, कौन से ट्राइंगल के लिए यूज करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल ए सी बी, यहाँ पे देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, ओके, प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। और रीजन तो आपको पता ही होगा, रीजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रीजन लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो बीच में एक बार एंगल सी होना चाहिए, फिर बीच में एंगल ए होना चाहिए, और फिर बीच में एंगल बी होना चाहिए, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। ये हमारी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, सबको पता होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ए सी बी हमारे पास है 70 डिग्री, वो गिवन में है, तो यहाँ पे इसके नीचे 70 डिग्री लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल्स हमारे पास नहीं है, यानी कि एंगल सी ए बी और एंगल सी बी ए, यानी कि ये जो पूरे एंगल्स है वो हमारे पास कुछ नहीं है फिलहाल के लिए, इनकी वैल्यू नहीं है, तो ये ऐसे ही रहने दो, दैट इज एंगल सी ए बी ऐसे ही रहेगा और प्लस एंगल सी बी ए ये भी ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस 70 डिग्री है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे ये रह जाएगा, दैट इज एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो प्लस 70 डिग्री है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 70 डिग्री। तो दैट इज एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए एंड दैट इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 110, राइट, 110 डिग्री, ओके, क्लियर है इतना, ओके। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखो हमको एंगल ए ओ बी चाहिए, और अगर तुम लोग देखोगे एंगल ए ओ बी जो है, ये जो एंगल है वो कौन से ट्राइंगल का एंगल है, ये वाले ट्राइंगल का एंगल है। देखो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी है ना, यहाँ पे भी देखो ट्राइंगल ए ओ बी है, ये जो ट्राइंगल ए ओ बी है ना उसका ही हमारा ये एंगल है ए ओ बी, ओके। तो ये एंगल ए ओ बी हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमको क्या मिल जाता है, ये जो हमारा ट्राइंगल है, देखो ये छोटा ट्राइंगल, ठीक है, ये छोटा जो ट्राइंगल है ना उसका अगर हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल जाता है ना, मतलब ये दोनों एंगल अगर मिल जाएंगे ना तो हमारे लिए ही बहुत अच्छा होगा, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स इज व्हाट, 180 डिग्री। तो अगर हमको ये दोनों एंगल्स मिल गए ना तो बस हमारा काम बन जाएगा, तो हमको ये वाला एंगल भी मिल जाएगा, क्लियर है। अब बात ये है कि ये दोनों एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये बाइसेक्टर के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है, यानी कि बाइसेक्टर गिवन है कि ये जो रे ए हो ए ओ जो है और ये जो रे बी ओ जो है ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए और एंगल बी के, तो इसका तो कुछ यूज तो होगा ही ना, ऐसे ही थोड़ी ना दिया होगा, कुछ तो काम आएगा ये, तो अब देखो काम आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या
करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय हाफ, ठीक है, क्या करेंगे, बोथ साइड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय हाफ, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे, तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखना हाफ इंटू एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए, ओके, हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है हाफ से, अब राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, ओके, अब यहाँ पे देखो ये हाफ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा और हाफ इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू एंगल सी ए बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू एंगल सी बी ए, और यहाँ पे हाफ इंटू 110 क्या होगा, 2 1 2 2 5 10 होगा, 1 बचेगा अगेन 2 5 10 यानी कि 55 डिग्री, ओके, यानी कि 110 का हाफ क्या होता है 55 होता है, सिंपल, ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये जो हाफ इंटू एंगल सी बी ए यानी कि हाफ इंटू एंगल सी बी ए जो है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी, क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं, और ये जो है, ये जो है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी ए लिख सकते हैं, एंगल ओ बी ए लिख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अब बहुत बच्चों के दिमाग में शायद अभी तक ये नहीं आया होगा कि ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया आपने, तो रुको बताती हूँ, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो एंगल सी ए बी जो है, एंगल सी ए बी मतलब ये पूरा एंगल है ना, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी मतलब क्या, ये पूरा एंगल, तो ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है अगर हम लोग उसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं, हाफ करते हैं, तो हाफ ऑफ एंगल सी ए बी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल सी ए बी जो होगा, एंगल सी ए बी का हाफ क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल, दिस एंगल, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, रीजन के लिए हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो रे ए ओ है, ये जो रे ओ ए है वो क्या कर रही है, ये जो हमारा पूरा एंगल है ना उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये पूरे एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकल के आ सकता है कि ये जो पूरा एंगल है ना, ये जो पूरा एंगल है अगर इसका हाफ हम लोग करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल, और वी कैन ऑल्सो से दिस एंगल, लेकिन हमको फिलहाल के लिए दिस एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पूरे एंगल को, पूरे एंगल का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू दिस एंगल, अगर तुमको सिंपल सी भाषा में बोलूं तो सपोज करो कि ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है वो क्या है, 80 डिग्री है, पूरा एंगल क्या है, 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये रे क्या है, बाइसेक्टर है ना, तो मतलब कि अगर ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो मतलब क्या करेगा, ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरे एंगल का, ये पूरे एंगल का अगर हम लोग हाफ लेते हैं, यानी कि 80 का हाफ क्या होता है, 40 डिग्री, तो यानी कि हम बोल सकते हैं 40 डिग्री होता है और ये है हमारा 40 डिग्री और ये भी है हमारा 40 डिग्री, यानी कि हाफ ऑफ दिस फुल एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एंगल, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल लिखेंगे क्योंकि हमको इस एंगल की जरूरत है, तो हमने क्या बोला, ये पूरे एंगल का अगर हम लोग हाफ लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू एंगल ए, सॉरी ओ ए बी, वैसे ही अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है सी बी ए, तो अगर ये पूरा एंगल है उसका अगर हम लोग क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो वो हमको किसके इक्वल मिलेगा, या तो इस एंगल के इक्वल मिलेगा या फिर इस एंगल के इक्वल मिलेगा, बट हमको फिलहाल जरूरत है इस एंगल की, क्योंकि ये एंगल जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर है और हमको ये ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो हमने क्या बोला, हाफ ऑफ एंगल सी बी ए जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ओ बी ए, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज बी ओ या ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है, तो ये समझ में आया, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंड द रीजन इज व्हाट, रीजन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, रीजन इज कंपल्सरी, रीजन के लिए हम लोग ये लिखेंगे, ये वाला रीजन लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला पूरा जो रीजन है वो यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज रे ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड रे बी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इसलिए हमने ये लिखा है,
ओके इतना क्लियर है. ओके चलो इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर वन. यहाँ पे रीजन लिख देना, ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देना, मैं नहीं लिख रही हूँ. ओके अब यहाँ पे देखो, अब बहुत ही इजी है. हमको क्या मिल गया, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि हमको क्या चाहिए. देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, हाँ ये 80 डिग्री वगैरह ये सब एग्जाम्पल था. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि हमको ये वाला एंगल चाहिए. तो ये वाला एंगल अगर हमको कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा बताओ. यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि अगर हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो मिल जाता है तो हम आसानी से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं. लेकिन हमको क्या मिल गया, और अच्छा हो गया, हमको क्या मिल गया, ये दोनों एंगल का एडिशन मिल गया है. देखो एंगल ए सॉरी एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, यानी कि ये दोनों का एडिशन जो है, ये दोनों एंगल का जो एडिशन है वो हमको मिल गया है 55 डिग्री. तो यही हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ना. वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज व्हाट 180 डिग्री होता है. ओके और अगर ये दोनों एंगल का एडिशन ही क्या है 55 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा. हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 55 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7. तो यानी कि 10 माइनस 5 होगा 5, 7 माइनस 5 होगा 2 और 1 1, यानी कि 125 डिग्री. तो ये हो गया हमारा एंगल 125 डिग्री आ गया. बस अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए अप्लाई करेंगे, इस ट्राइंगल के लिए अप्लाई करेंगे. बस आपको ये स्टेप समझ में आना चाहिए, ठीक है. तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. तो मैं ये रफ करने वाली हूँ, प्लीज यहाँ पे आप रीजन जरूर लिख देना ये वाला. ओके तो मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ क्वेश्चन. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग लिखने वाले हैं नाउ. नाउ करके लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी. तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके समझ में आया ना, यानी कि एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन में आपको पता ही है कि क्या लिखना है, ये वाला रीजन, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, ये रीजन लिखोगे आप लोग. चलो ये समझ में आ गया होगा. अब देखो एंगल ए ओ बी हमको फाइंड करना है तो ये ऐसे ही रहेगा. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों एंगल का जो एडिशन है ना वो हमारे पास है, एंड दिस इज वेरी गुड थिंग. क्या है ये दोनों एंगल का एडिशन, 55 डिग्री. यानी कि ये दोनों के जगह पे, ठीक है, ये दोनों के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 55 डिग्री. यानी कि इस पूरे, ये जो पूरा जो है हमारे पास, इसके जगह पे हमने लिख दिया है 55 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन. यहाँ पे रीजन में आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री. तो दैट इज एंगल ए ओ बी जो होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये प्लस में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस. तो दैट इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, 125 डिग्री. इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना, माइनस को मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे करके मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था. तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है. ज्यादा कुछ नहीं किया है हमने. देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, ये जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है उसके सारे एंगल्स का अगर एडिशन लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और हमारे पास तो सिर्फ एक एंगल है ना, जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें सिर्फ हमारे पास एक एंगल है, दैट इज एंगल सी जो है वो है 70 डिग्री. तो इसके नीचे 70 डिग्री लिखा, ये दोनों एंगल के मेजर्स थे नहीं हमारे पास, तो इनको ऐसे ही रहने दिया. और ये जो प्लस 70 डिग्री था वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 70 डिग्री, और हमको यहाँ पे मिल गया 110 डिग्री. अब हम लोग ने क्या बोला कि चलो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे. तो बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई बाय हाफ किया, तो अब ये क्या हो जाता है ना, ये देखो ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल जो है इसका जो हाफ होगा दैट इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज ये जो रे है वो क्या है, बाइसेक्टर है. ओके तो यानी कि ये पूरे एंगल का अगर हम लोग हाफ लेते हैं, इसलिए तो हाफ से मल्टीप्लाई किया ना, तो हाफ ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ओ ए बी. वैसे ही हाफ ऑफ एंगल सी बी ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ओ बी ए. तो इसलिए यहाँ पे आया ओ बी ए एंड इक्वल टू 55 डिग्री. तो इससे हमको क्या मिल गया, ये दोनों एंगल का एडिशन मिल गया है, और वो बहुत अच्छी बात है. फिर हमने ये वाला ट्राइंगल लिया और इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने एंगल ए ओ बी निकाल दिया. ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, एथ वन करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो. तो चलो अभी हम लोग करते हैं एथ वन. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये जो लाइन ए बी है और ये जो लाइन सी डी है, ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है
और ये जो लाइन PQ है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है ये दोनों लाइन की, ठीक है। और हमको क्या बोला है यहाँ पे, ये जो रे PT एंड रे QT है वो क्या है, बाइसेक्टर्स है ऑफ एंगल BPQ एंड एंगल PQD, ओके। यानी कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या बोला है, ये देखो ये एक रे है, यानी कि ये क्या है हमारी रे PT है, ये हमारी रे PT है और वो किसकी बाइसेक्टर है, एंगल BPQ की। यानी कि आप देखो ये जो रे है वो क्या करता है, ये पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो रे QT है, ये जो रे QT है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसकी, कौन से एंगल की, एंगल PQD की, यानी कि एंगल PQD की, यानी कि ये पूरे एंगल की, ओके। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर है। और हमको क्या बोला है, वी हैव टू प्रूव दैट मेजर ऑफ एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे देखो फिगर में देखो एंगल PTQ कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन को पहले समझो, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो सोल्यूशन कैसे लिखोगे बताओ। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, एंड दिस इज वेरी 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 रॉन्ग, मतलब ये गलत मेथड है मैथमेटिक्स में, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन को दो बार तीन बार जितनी बार चाहो उतनी बार एक बार पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करो, ओके। वरना कुछ बच्चे तो नहीं नहीं हम क्या क्वेश्चन क्या देखना, फटाफट सोल्यूशन लिखते हैं ना, आ गया तो आ गया, नहीं तो कुछ ना कुछ झोल करके लाएंगे, बट ऐसा मत करो प्लीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री प्रूव करने वाले हैं, कैसे प्रूव करेंगे बताओ। अब जो गिवन है उसका यूज करेंगे, गिवन में क्या है हमारे पास, देखो ये जो हमारे दो लाइंस है वो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, बरोबर। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन हमको क्या बोलता है कि अगर दो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और उनका एक ट्रांसवर्सल होता है तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल देखो, यहाँ पे बताती हूँ, दूसरा फिगर बना देती हूँ, वो फिगर गंदा हो जाएगा। ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल हमारे इंटीरियर एंगल होंगे एंड ये इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब क्या, ये दोनों एंगल का जो एडिशन है वो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है आगे देखो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले इतना लिख देते हैं। तो हम बोलेंगे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड हमारी ट्रांसवर्सल क्या है, एंड लाइन PQ is the transversal, ठीक है, and line PQ is the transversal। तो इससे हम लोग conclude कर सकते हैं, therefore हम बोल सकते हैं angle कौन सा, BPQ, ठीक है, लिख दो angle BPQ plus angle PQD, okay, यानी कि ये वाला angle, तो PQD, okay, angle PQD is equal to 180 degree, and the reason is very simple, क्या बोलोगे, interior angles, ठीक है, खाना बन रहा है इसलिए सीटी की आवाज आ रही होगी, बंद होने दो एक बार सीटी की आवाज को। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों का एडिशन जो होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इंटीरियर एंगल्स। इतना क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट हम वही करने वाले हैं जो हमने सेवेंथ में किया था, मतलब सेवेंथ वाले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, हम यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा सेम है, सेवेंथ जैसे किया था ना वैसा ही सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बाइसेक्टर है, ये दोनों रेज क्या है, बाइसेक्टर है, मतलब वही चीज करेंगे जो सेवेंथ में किया था, क्वेश्चन नंबर सेवन में किया था। तो चलो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ, BS मतलब बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ। तो यहाँ पे देखो हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर पूरा लिखेंगे, ठीक है, ये एंगल BPQ प्लस एंगल PQD एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हाफ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू एंगल BPQ प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू एंगल PQD, और 180 का हाफ होता है 90 डिग्री,
ओके तो ये मिला है हमको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस। देखो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बीपीक्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बीपीक्यू के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल एंगल टीपीक्यू। क्या लिख सकते हैं? एंगल टीपीक्यू। वैसे ही हाफ ऑफ एंगल पीक्यूडी, हाफ ऑफ एंगल पीक्यूडी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल एंगल पीक्यूटी। क्या लिख सकते हैं? एंगल पीक्यूटी एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके यहाँ पे 90 इसलिए 90 डिग्री। अब ये समझना है आपको, ये कैसे आया, ये कैसे आया बता। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अब फिर से देखो यहाँ पे देखो ये जो रे पीटी है, यहाँ पे देखो ये जो रे पीटी है वो किसकी बाइसेक्टर है, कौन से एंगल की बाइसेक्टर है, एंगल बी पी क्यू की, है ना। यहाँ पे देख लो एंगल बी पी क्यू की, यानी कि ये जो एंगल बी पी क्यू का जो हाफ होगा, इसका अगर हम लोग हाफ करते हैं तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू आइदर दिस एंगल और दिस एंगल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल बी पी क्यू है हमारा, उसका अगर हम लोग हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो वो किसके इक्वल मिलेगा, किसके इक्वल मिलेगा, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, या फिर या फिर या फिर एंगल टी पी बी, एंगल टी पी बी। ओके लेकिन हम लोग ये लिखेंगे, ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको क्या प्रूव करना है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल मिला है, यहाँ पे ये क्या मिला है, एक ट्राइंगल मिला है, तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, यानी कि ये दोनों एंगल्स का जो मेजर है वो क्या है, वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमको ये वाला जो एंगल है ना वो मिल जाएगा, यानी कि ये ऑटोमेटिकली हम लोग 90 डिग्री फिर बता पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या बोला कि ये जो एंगल बी पी क्यू है, यानी कि ये जो पूरा एंगल है, अगर इसका हम लोग हाफ करते हैं तो इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, या तो फिर ये एंगल के इक्वल होगा या फिर ये वाले एंगल के इक्वल होगा। लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए क्या बोलेंगे कि इसका जो हाफ है दैट इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि हमको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके तो हमने वही बोला कि हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू। देख लो एक बार फिर से, एंगल टी पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल। वैसे ही यहाँ पे देखो हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी, यानी कि ये जो एंगल पी क्यू डी है, यानी कि ये जो पूरा एंगल है, अगर उसका हम लोग हाफ लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आइदर दिस एंगल और दिस एंगल। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल लेके, यानी कि कौन सा एंगल, एंगल पी क्यू टी। ओके तो इसलिए यहाँ पे लिखा हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी एंड इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। और रीजन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन के लिए हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लाइन नहीं सॉरी हाँ यहाँ पे रे पी टी एंड रे क्यू टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी। तो यहां से लगा के यहां तक ये पूरा रीजन हमको यहाँ पे लिखना है। तो रीजन इज मस्ट मस्ट मस्ट, यानी कि रीजन इज इम्पोर्टेंट, समझ में आया। ऐसे रीजन मत लिख देना, कोई बच्चे इतने पागल होते हैं कि रीजन लिखना, अरे रीजन लिखना मतलब ये वाला यहाँ पे लिखोगे, ओके। वरना कोई कोई बच्चे बोलेंगे कि ये रीजन ही लिखना है हमको, नहीं 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 यहाँ पे तुम लोगों को क्या लिखना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है, क्लियर है, ओके। इससे क्या मिलता है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी कमाल की चीज हुई है, यहाँ पे हमको क्या मिला है, ये दोनों जो एंगल है ना, ये दोनों जो एंगल है, ये कहा गया हाँ ये दोनों एंगल, एक मिनट मैं थोड़ा सा फिगर को क्या करती हूँ, क्लीन करती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ, ठीक है, मैं ये रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू जो है, एंगल पी टी क्यू जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। यानी कि ये जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। और यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे हमको ये मिला है कि ये दोनों जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जो एडिशन है, जो एडिशन है वो किसके इक्वल मिला है, 90 डिग्री के इक्वल मिला है। एंड दैट इज वेरी गुड थिंग, बिकॉज वी नो दैट कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये देखो ये एक ट्राइंगल है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स का अगर हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू हमको 180 डिग्री मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दोनों एंगल्स का एडिशन है 90 डिग्री, तो मतलब जो बचा हुआ एंगल होगा, जो बचा हुआ एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यानी कि हमने ये प्रूव कर लिया कि एंगल पी टी क्यू जो है वो क्या है, 90 डिग्री है।
ओके तो यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, समझ में आया ना? अब देखो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखना ठीक है, नाउ करके लिखो ऐसे, नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल, प्लस एंगल यहाँ पे देख लो, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन आपको पता ही है क्या लिखना है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, रीजन आप लोग लिखो, रीजन मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि टाइम पास होगा एंड आई नो आप लिख दोगे. ओके तो यहाँ पे देखो एंगल पी टी क्यू तो हमको फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहने दो. और ये दोनों एंगल का जो एडिशन है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का जो एंगल का जो एडिशन है वो है हमारे पास 90 डिग्री. तो ये दोनों के जगह पे, ये दोनों के जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे और इक्वल टू है हमारे पास 180 डिग्री. तो ये प्लस 90 डिग्री है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 90 डिग्री, दैट इज एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो दैट इज एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या होगा, हाँ 90 डिग्री, यानी कि मेजर ऑफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमने प्रूव कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया. ओके क्लियर है, समझ में आया कैसे करोगे? तो बस थोड़ा सा सेवेंथ वन और एथ वन देखोगे तो सिमिलर टाइप का ही है, राइट? ओके तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. बस जहां पे जो रीजन लिखना है वो पक्का लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये यहां से लगा के यहां तक पूरा लिखोगे, और यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, या जो भी आपके मतलब कि टारगेट में भी देख सकते हो आप, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ऐसे कुछ लिख दो. ठीक है, तो ये पूरा एक लाइन में लिखना, मुझे जगह नहीं होती इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाती हूँ, बट आई नो आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो आता होगा. तो चलो अभी हम लोग करते हैं नाइन्थ वन, इसको नोट डाउन कर लो. तो चलो अभी हम लोग करते हैं नाइन्थ वन. तो नाइन्थ वन बहुत ही इजी है, मतलब हम लोग दो मिनट में कर सकते हैं, इतना इजी है. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी. यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो फिगर में हमको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, उसका यूज करके हमको एंगल ए बी सी फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेमिंग नहीं की है, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल की नेमिंग जो है वो नहीं की है. तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग सी ले लेते हैं. ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम लोग डी ले लेते हैं. ओके, यहाँ पे देखो ये पॉइंट को डी ले लेते हैं, और यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा इस पॉइंट को एफ ले लेते हैं, और इस यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जी. ओके, अब ये सब पॉइंट लेने की जरूरत क्यों है हमको, ताकि यहाँ पे देखो ये जो गिवन एंगल है ना, यहाँ पे देखो ये एंगल गिवन है, अब ये एंगल गिवन है इतना हमको पता है, लेकिन इस एंगल का नाम क्या है. तो एंगल को नाम देने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी नेमिंग कर ली है. जैसे कि यहाँ पे देखो हमको फिगर में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, ये जो एंगल है वो है 70 डिग्री, लेकिन यहाँ पे नेमिंग नहीं किया था ना, तो हमने थोड़ा सा क्या किया, नेमिंग कर लिया. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन में ये जो फिगर है उसको फिर से बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको नेमिंग करनी पड़ेगी. ओके, समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखो हम लोग को, हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर हमारे पास देखो क्या है, ये एंगल है 70 डिग्री, यानी कि कौन सा एंगल, एंगल एफ बी जी है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल एफ जी बी जो है दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, और हमारे पास कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये एंगल का नाम क्या है, ये एंगल है हमारा ए और ये पॉइंट है सी, बरोबर. तो ए सी डी, यानी कि एंगल ए सी डी जो है वो है हमारे पास 100 डिग्री. इतना समझ में आया? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल बी है, ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. तो चलो फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है. देखो यहाँ पे सबसे पहले एंगल बी फाइंड करेंगे, एंगल बी क्या होगा, एंगल बी हो जाएगा 70 डिग्री. कैसे, बिकॉज यहाँ पे देखो ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बरोबर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे. तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यानी कि अगर ये एंगल क्या है, 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. यानी कि एंगल बी मिल गया 70 डिग्री. इतना क्लियर है? ओके, अब एंगल सी क्या होगा बताओ, एंगल सी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री. क्या हो जाएगा, 80 डिग्री. कैसे,
कैसे? अरे बहुत ही सिंपल है, ये देखो ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, हमारे लीनियर पैर एंगल्स है ना। यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे ये कुछ रे है, यहाँ पे कुछ ऐसे समझो रे है। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स हमारे लीनियर पैर एंगल्स है। इसका मतलब वी नो दैट लीनियर पैर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ये दोनों एंगल का जो एडिशन है वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मतलब देखो ये 100 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, है ना, क्लियर है। तो एंगल बी और एंगल सी मिल गया है, यानी कि एंगल बी और सी मिल गया है। अब एंगल ए, एंगल ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एंगल ए कैसे फाइंड करोगे? यस वेरी गुड, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के हमारे पास दो एंगल ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि ऑलरेडी दो एंगल का मेजर है। तो हम लोग तीसरा एंगल तो आराम से निकाल सकते हैं वो प्रॉपर्टी यूज करके, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है 80 डिग्री, ये है 70 डिग्री, तो अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमको मिलता है, हमको क्या मिलता है, 150 डिग्री मिलता है, यानी कि ये दोनों एंगल का एडिशन जो है वो है 150 डिग्री। तो ये बचा हुआ जो एंगल है वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल का एडिशन जो है वो 180 डिग्री होना ही चाहिए। तो अगर ये दोनों एंगल का एडिशन 150 डिग्री है तो मतलब जो बचा हुआ होगा वो पक्का 30 डिग्री होगा ही होगा। तो हमने एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकाल दिया, सिंपल, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पैर एंगल्स, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में कॉन्सेप्ट देखा था, ओके। तो आपके चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो बस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम फिगर, ये दोनों एंगल्स हमारे पास है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एफ बी जी, ओके। यहाँ पे देखो कैसे लिखने का, एंगल एफ बी जी इज congruent to angle, is congruent to angle what, A B C, okay, यानी कि ये वाला angle, angle A B C, and the reason is very simple, यहाँ पे आप लोग लिख देना vertically opposite angle, ठीक है, क्या लिखेंगे, vertically opposite angles। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे angle F F B G ना, F B G, तो यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया, यहाँ पे भी F B G आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया F G B लिख दिया, जो कि गलत है। एंगल G जो है यहाँ पे एक्चुअली में G कोई एंगल भी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा F B G, ओके, रियली सॉरी, यहाँ पे आएगा एंगल F B G, है ना। B जो है ये वाला जो एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो है हमारा 70 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया था, उसके लिए सॉरी। तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है हमारा 70 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे देखो एंगल एफ बी जी जो है वो है 70 डिग्री, एंड ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये क्या है 70 डिग्री है, तो मतलब ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। और एंगल ए बी सी मतलब क्या, एंगल ए बी सी मतलब बी वाला, है ना, ये एंगल को नाम दिया है बी, तो यानी कि इसके नीचे हम लोग लिख देंगे बी, बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो दैट इज करके लिख देंगे बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। इतना क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं, अब ये सी वाला फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में लिखेंगे एंगल्स इन अ लीनियर पैर, ठीक है, एंगल्स इन अ लीनियर पैर। तो यहाँ पे अभी सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये जो एंगल है वो है सी, है ना, देखो इस एंगल का नाम सी है, एंगल ए सी बी, इस एंगल का नाम क्या है, स्मॉल लेटर सी। ये देखो ये कैपिटल लेटर सी है और ये स्मॉल लेटर सी है, तो कंफ्यूज मत होना, वरना आप क्या करो, नेमिंग जो है वो कुछ दूसरे लेटर्स दे दो, यानी कि पी क्यू आर ऐसा कुछ नेमिंग दे दो, लेकिन कंफ्यूज मत होना, दिस इज अवर कैपिटल लेटर सी एंड दिस इज अवर स्मॉल लेटर सी। यहाँ पे ये स्मॉल लेटर बी है और यहाँ पे स्मॉल लेटर ए है, ओके। तो यहाँ पे देखो एंगल ए सी बी है हमारा स्मॉल लेटर सी, प्लस ये वाला जो एंगल है वो हमारा है 100 डिग्री, ये गिवन में है, एंड इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो यानी कि सी ये प्लस में है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे, दैट इज सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 हो जाएगा 80, यानी कि सी मिल गया 80 डिग्री, ओके। बी मिल गया, ए मिल गया, यानी कि एंगल बी मिल गया और एंगल सी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ अभी हम लोग एंगल ए फाइन करेंगे। तो अभी आ जाते हैं फाइनल स्टेप करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। ओके यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी और प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। एक बार एंगल बी होना चाहिए बीच में, एक बार सी होना चाहिए और एक बार ए होना चाहिए, ये बरोबर क्रॉस वेरीफाई कर लो ठीक है। और रीजन में यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू इज 180 डिग्री ठीक है। ये सब आप रीजन लिख दो। उसके बाद यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, एंगल ए बी सी मतलब क्या, ये बी वाला एंगल, तो इसके नीचे बी लिखेंगे। ओके इसके नीचे क्या करेंगे, बी लिखेंगे प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मतलब कौन सा एंगल, ये सी, तो यानी कि सी आएगा प्लस ये वाला एंगल जो है वो है ए, यानी कि स्मॉल लेटर ए, तो ए आएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो बी और सी की वैल्यू हमारे पास है, तो बी है 70 डिग्री प्लस सी है हमारे पास 80 डिग्री ठीक है। तो यहाँ पे आप एंगल भी लिख सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, तो एंगल बी है 70 डिग्री, एंगल सी है 80 डिग्री प्लस एंगल ए के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यही तो सब कर रहे हैं है ना, तो एंगल ए फाइंड करना है। तो 70 प्लस 80 होगा 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू, ये प्लस में है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, दैट इज 180 माइनस 150 हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर है 30 डिग्री, दैट इज एंगल ए। यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लेती हूँ मैं। हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको शायद दिख रहा होगा ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको एज ए इक्वेशन नंबर 1 और इसको एज ए इक्वेशन नंबर 2 डाल के यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो रीजन के लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किए वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से किए हैं ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओवरऑल बहुत ही ईजी था। तो चलो इसको आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो और लास्ट में आप लिख सकते हो, लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री ठीक है। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। तो चलो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th one। तो यहाँ पे देखो ये जो 10th one है ना, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है। इजी है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि बहुत ही हार्ड है, बट आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो चलो करते हैं, हम लोग क्या दिया है देखो, इन फिगर लाइन डी इज पैरेलल टू लाइन जी एफ एंड रे ई जी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एंड एंगल डी एफ एम। ओके एक एक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, यहाँ पे हमको बोला है कि ये जो लाइन डी है, ये देखो ये लाइन डी है और लाइन जी एफ है यहाँ पे ठीक है। तो ये दोनों लाइन्स क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, ये हमको गिवन है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और क्या दिया है, रे ई जी जो है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल डी ई एफ का। अब यहाँ पे देख लो आपको समझ में आ जाएगा, ये जो रे रे ई जी है, देखो ये है रे ई जी, ये किसका बाइसेक्टर है, ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, दैट इज एंगल डी ई एफ का। ओके यानी कि यहाँ पे ये जो रे है वो क्या करता है, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये मार्किंग नजर आ रहा होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे यहाँ पे देखो ये जो रे एफ जी है, ये जो रे एफ जी है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल डी एफ एम का, यानी कि ये पूरे एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। इसलिए ये रे क्या करता है, ये पूरे एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे आपको ये मार्किंग नजर आ रहा होगा। ओके समझ में आया। तो ये गिवन में है, क्या गिवन में है, ये दोनों हमारे लाइंस पैरेलल है और ये जो रे है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का, और ये जो रे है वो बाइसेक्टर है ये वाले एंगल का। और हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। यानी कि यहाँ पे देखो, पहले ये देखते हैं कहाँ पे है एंगल डी ई जी, कहाँ पे है एंगल डी ई जी, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है वो क्या है, हाफ है। किसके हाफ है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ।
एंगल ई डी एफ कहाँ पे है, एंगल ई डी एफ ये वाला एंगल, यानी कि इसका मतलब क्या कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल, ये हमको प्रूव करना है. एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू प्रूव इज कि ई एफ जो है दैट इज इक्वल टू एफ जी. ई एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है ई एफ, और ये जो एफ जी है ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है. मतलब ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट क्या है, इक्वल है, वो प्रूव करना है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग ये वाला प्रूव करेंगे. ओके, सबसे पहला हम लोग फर्स्ट वाला ये वाला प्रूव करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गिवन है उसका यूज करेंगे ऑब्वियसली. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन जो डी है वो क्या है, पैरेलल है किसको, लाइन जी एफ को. ओके, अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, ये दोनों मैं यहाँ पे बनाती हूँ. ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, और हम क्या करेंगे, ये जो ई एफ है इसको क्या मानेंगे, ट्रांसवर्सल मानेंगे. इसको क्या मानेंगे, ट्रांसवर्सल. ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा. तो वी नो दैट कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है. और इसको अगर ट्रांसवर्सल मानेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे कहीं हमारा जी है. ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करो, आपको समझ में आ जाएगा. ये एफ जी है और यहाँ पे हमारा ई है पॉइंट, और यहाँ पे हमारा डी है. ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो वी कैन से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्वेंट हो जाएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल. मतलब कौन सा एंगल, और अगर हम लोग इस फिगर में देखेंगे तो ये दोनों एंगल्स कहाँ पे है, ये दोनों एंगल्स को थोड़ा सा नोटिस करो. देखो ये दोनों हमारे लाइन पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है. इसका मतलब ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ओके, ये वाला एंगल थोड़ा सा क्या करना है, आपको डीपली देखना है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे आप, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. सबसे पहले तो मैं ये फिगर को थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ. ठीक है, एक मिनट क्लीन करने दो मुझे. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है. तो हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज दे आर व्हाट, यस दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल. तो वही हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन जी एफ, एंड हमने ट्रांसवर्सल किसको माना है, एंड लाइन ई एफ. ओके, एंड लाइन ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल. तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर कौन सा एंगल, एंगल डी ई एफ. ठीक है, ध्यान से लिखना, एंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ पे भी देख सकते हो, एंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी एफ, और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, हाँ एम है, तो एंगल जी एफ एम. ठीक है, एंगल जी एफ एम. तो रीजन के लिए हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखेंगे, यस वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, इतना क्लियर है. ओके, अब यहाँ पे देखो, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू. यहाँ पे देखो, ये जो एंगल जी एफ एम है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल जी एफ एम है, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी एफ एम है ना, हाफ ऑफ एंगल डी एफ एम. एंड अभी ये देखो, ये कैसे लिखा हमने, यानी कि इस एंगल की जगह पे हमने ये कैसे लिखा, बहुत ही सिंपल है. देखो ये जो रे है वो क्या है, हमारी बाइसेक्टर है इस एंगल की बाइसेक्टर है. इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो एंगल है वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ दिस एंगल. तो इसलिए हमने बोला कि इस एंगल के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल डी एफ एम. यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एंगल डी एफ एम को हाफ करते हैं तो हमको यही मिलेगा. बिकॉज यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग बोल देंगे यहाँ पे रे, कौन सी रे, रे एफ जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम. ओके, इतना क्लियर है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये टू जो डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज टू इंटू एंगल डी ई एफ, एंड इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट के जगह पे अगर हमने इक्वल साइन, मतलब कॉन्ग्रेंट को अगर इक्वल साइन से रिप्लेस किया तो भी चलेगा. ठीक है, हमने क्या किया, ये टू यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, दैट इज टू इंटू एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल क्या बच गया, एंगल डी एफ एम.
ओके, तो दैट इज हम बोल सकते हैं यहां से हमको क्या मिल रहा, एंगल डी एफ एम, ये जो एंगल डी एफ एम है दैट इज इक्वल टू व्हाट एंगल, सॉरी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी ई एफ, और इसको इक्वेशन नंबर वन डाल के छोड़ देंगे। इतना समझ में आया? ये हमने यहाँ पे क्या किया, देखो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होने वाला है लेकिन टेंशन मत लो, एक बार मुझे क्या करने दो ये सोल्यूशन लिखने दो, उसके बाद मैं आपको फिर से दोबारा समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो, बट एक बार बस मुझे लिखने दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हमको ये मिल गया, क्या मिला है कि एंगल डी एफ एम, एंगल डी एफ एम जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी ई एफ, ओके, इसको इक्वेशन नंबर वन डाल के छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल डी एफ एम यानी कि एंगल डी एफ एम, ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल डी ई एफ का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, वो वाला हम लोग थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल डी एफ एम जो है इज एन एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से देखना, हो जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा, बस थोड़ा सा क्या है कि इसके स्टेप्स बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है, ओके। तो एंगल डी एफ एम इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ विच ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बाय विच थियोरम, बाय थियोरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, ये देखो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, है ना। तो इस एक्सटीरियर एंगल के जो रिमोट इंटीरियर एंगल है वो कौन से है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको रिमोट इंटीरियर एंगल को कैसे फाइंड करते हैं या क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे देखो ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा, इसके एडजेसेंट में यानी कि इसके बाजू में क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा। तो इस एंगल को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं हमारे ट्राइंगल के, यानी कि बाकी के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स के, वो हो जाते हैं हमारे रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल। तो यानी कि दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ, एंगल ई यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल ई डी एफ प्लस एंगल व्हाट, प्लस एंगल एफ ई डी, ओके, प्लस एंगल एफ ई डी, समझ में आया। यानी कि ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई, ये पूरा एंगल, हाँ, एंगल डी प्लस एंगल ई, तो एंगल डी प्लस एंगल ई, ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर वन में हमको क्या मिला है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, टू टाइम्स द एंगल डी ई एफ, यानी कि यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स द एंगल डी ई एफ, ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ओके। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे यही रहने दो, एंगल ई डी एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ओके। यहाँ पे हम लोग रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो है वो इक्वेशन नंबर वन से लिखा है, इसलिए हमने वो रीजन लिख दिया। अब यहाँ पे देखो अगर तुम लोग नोटिस करोगे, ये दोनों जो एंगल्स है वो सेम है हमारे, बरोबर, ये दोनों एंगल्स देखो सेम है, टेंशन मत लो, सेम है, अलग अलग नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल डी ई एफ है, और यहाँ पे भी क्या है, एंगल डी ई एफ है, देखो बीच में तो ई है ना, बीच में तो ई है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन के एक तरफ ले लेते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल डी ई एफ, और ये प्लस में है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, दैट इज माइनस एंगल एफ ई डी, एंड इक्वल टू ये यहाँ पर ही रहेगा, दैट इज एंगल ई डी एफ यहाँ पर ही रहेगा। ये समझाना, यहाँ पे देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है एक्चुअली में वो सेम ही है, ये टू को फिलहाल के लिए भूल जाओ, मैं बोल रही हूँ ये एंगल सेम ही है। देखो ये जो एंगल है, एंगल डी ई एफ बोलो या फिर एंगल एफ ई डी बोलो, ये दोनों एंगल एक्चुअली में सेम ही है। तो अगर आपको इसको रिप्लेस करना है एफ ई डी से तो भी कर सकते हो, यानी कि एंगल एफ ई डी से रिप्लेस करना है तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो है टू टाइम्स द एंगल डी ई एफ माइनस, यहाँ पे भी हम लोग डी ई एफ ही लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई एफ, ये भी चलेगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो अगर हम लोग एफ ई डी बोले या डी ई एफ बोले एक ही बात है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे कि अगर सपोज करो ऐसा कुछ होता है, मैं अगर बोलूँ आपको 2a माइनस a क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, a होगा, यानी कि 1a होगा। तो वैसे ही 2 टाइम्स द एंगल DEF माइनस
वन टाइम्स द एंगल DEF क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल DEF, है ना। जैसे कि देखो 2A माइनस A क्या होगा, 1A होगा, यानी कि A होगा। वैसे ही सपोज करो कि ये है हमारा 2 और ये पूरा है हमारा A, इसको A मानो, ओके। तो 2A माइनस A क्या होगा, A होगा, और A क्या है हमारा, ये पूरा एंगल है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल EDF, ओके। एक बार मैं देख लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो जो हमको प्रूव करना है वो क्या करना है, एंगल DEG जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF। तो यहाँ पे देखो हमको एंगल EDF मिल गया है, यहाँ पे देखो एंगल EDF जो है यहाँ पे हमको मिल गया है, एंगल EDF हमको मिल गया है। बस हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हाफ चाहिए, है ना। और तो हमको यहाँ पे अगर हाफ चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ करेंगे। और देखो क्या होता है, देखो बताती हूँ, अब ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग करते हैं बोथ साइड बाय हाफ से, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखो हाफ इंटू एंगल DEF इज इक्वल टू, इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू एंगल EDF। तो यहाँ पे देखो हाफ इंटू एंगल DEF क्या होगा, अब यहाँ पे देखो DEF जो है हमारा ये पूरा एंगल है। अगर हम लोग इस एंगल को हाफ करते हैं, इस एंगल को अगर हाफ करते हैं तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एंगल DEG मिलेगा, क्या मिलेगा, एंगल DEG मिलेगा। एंड दैट इज इक्वल टू, ये तो हमको चाहिए, ये तो हमको चाहिए ही था, दैट इज हाफ इंटू एंगल, हाफ इंटू एक मिनट, हाफ इंटू एंगल EDF, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हमने, यानी कि इसके जगह पे हमने ये कैसे लिखा, देखो यहाँ पे ये जो रे है, ये जो रे है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसकी, ये पूरे एंगल की। तो इसका मतलब क्या, ये जो पूरा एंगल है उसका अगर हम लोग हाफ करते हैं तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आइदर दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्या रिक्वायरमेंट था, हमको रिक्वायरमेंट था एंगल DEG का, इसलिए हमने इसके जगह पे लिख दिया एंगल DEG, बिकॉज दिस रे इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है इसका अगर हम लोग हाफ करते हैं तो वो हमको इस एंगल के इक्वल मिलेगा। और यहाँ पे देखो हमको जो प्रूव करना था वो हमने कर लिया है, ये हमारा प्रूव है, दैट इज एंगल DEG जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF, हमने प्रूव कर लिया। ये थोड़ा सा क्या है, देखो मुझे खुद को भी लग रहा है कि ये क्या क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही, मतलब इसके स्टेप्स बहुत ही वो है, मतलब कि एकदम हटके है। तो देखो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, फर्स्ट वन आ गया, सेकंड वन तो बहुत इजी है, सेकंड वन तो इससे भी ज्यादा इजी है, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले देखो ये हमको प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, हाफ है किसके, इस एंगल के, ओके। ये वाला जो एंगल है दैट इज हाफ ऑफ दिस एंगल, दैट इज विच एंगल, एंगल EDF, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइंस हमारे पैरेलल है और हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे, इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला एंगल और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, है ना। एक मिनट बताती हूँ, रुको फिर से बताती हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, बताती हूँ। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉन्वेंट हो गए। तो वही हमने लिख दिया, दैट इज एंगल DEF इज कॉन्वेंट टू एंगल GFN, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम लोग बोलेंगे कि एंगल GFN जो है दैट इज व्हाट, दैट इज हाफ ऑफ एंगल DFN, ओके, बिकॉज ये जो रे है वो क्या है, बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल की। इसका मतलब एंगल GFN जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ दिस बिग एंगल, ओके। ये बिग एंगल, ये जो बड़ा एंगल है उसका अगर हम लोग हाफ करते हैं तो हमको ये वाला एंगल मिलेगा। ये हमने यहाँ पे रीजन दे दिया है क्योंकि वो रे बाइसेक्टर है, ऐसा वगैरह, ठीक है। अब ये टू डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट की साइन को हमने इक्वल टू में बदल दिया, या कॉन्ग्रेंट रखोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, मतलब कॉन्ग्रेंट भी रखा तो भी चलेगा,
और ये नीचे आ गया, तो दैट इज हमने बोल दिया दिस एंगल इज इक्वल टू टू टाइम्स द दिस एंगल, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो एंगल है ओके, ये पूरा बड़ा ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। कौन से ट्राइंगल का? ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे वो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो रिमोट इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम यूज करेंगे। दैट इज ये जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, और इसके रिमोट इंटीरियर एंगल है ये वाला और ये वाला। ओके, तो हमने बोल दिया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वही हमको मिली है टू टाइम्स द एंगल DEF। ओके, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल DEF, ये एक्सटीरियर एंगल है। ओके, तो इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे निकाल के छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे बोला कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा दैट इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E, तो यहाँ पे लिखा है एंगल D प्लस एंगल E। तो अब इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, और ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, सेम है। ओके, यहाँ पे देखो FED बोलो या DEF बोलो एक ही बात है, तो ये दोनों एंगल सेम है, इसलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट किया और इसको यहाँ पर ही रखा, और ये दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया। जैसे कि देखो 2A माइनस A क्या होता है, A होता है, तो वैसे ही 2 टाइम्स कोई एंगल है माइनस वो सेम एंगल है, तो दैट इज इक्वल टू वो एंगल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है हमारा, वो एंगल है, सेम एंगल है। देखो 2 टाइम्स दिस एंगल यहाँ पे है, 2 टाइम्स दिस एंगल माइनस सेम एंगल है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एंगल DEF मिलेगा। जैसे कि देखो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, तो वैसे ही यहाँ पे 2 टाइम्स दिस एंगल माइनस 1 टाइम्स ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, और इक्वल टू यहाँ पे हमने ये लिख दिया। ओके, और ये जो चाहिए था वो हमको मिल गया है। यहाँ पे देखो जो प्रूव करना था उसमें एंगल DEF था, सॉरी एंगल EDF था, तो यहाँ पे हमको हाफ की जरूरत थी, हाफ की जरूरत थी, तो हमने क्या बोला बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय हाफ कर लेते हैं, तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी हाफ भी नहीं लगाएगी, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये चाहिए। बट अभी इसको देखो हाफ ऑफ एंगल DEF यानी कि एंगल DEF जो है, यानी कि ये पूरा एंगल जो है उसका अगर हम लोग हाफ करते हैं तो वो हमको किसके इक्वल मिलेगा, आइदर दिस एंगल और दिस एंगल, लेकिन हमको जरूरत है इस एंगल की यानी कि एंगल DEG की, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे एंगल DEG, बिकॉज वाई रीजन लिखना है आपको, बिकॉज ये रे क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल की, तो इसी के साथ हमने ये प्रूव कर लिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं खुद बोल रही हूँ कि इसको कम से कम 2-3 टाइम्स क्या करो, प्रैक्टिस करो, यानी कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग ये वाला करेंगे, ये इजी है, टेंशन मत लेना, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वन को प्रूव करेंगे, ठीक है। सेकेंड वन बहुत इजी है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो EF है, ये वाला जो सेगमेंट है दैट इज इक्वल टू FG, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास गिवन है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि ये जो लाइन DE है दैट इज पैरेलल टू लाइन GF। ओके, तो यानी कि ये दोनों लाइंस क्या है हमारे पास, पैरेलल है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल इसको मानेंगे, यानी कि ट्रांसवर्सल किसको मानेंगे, EG जो है, ये जो EG है इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल मानेंगे। तो अगर हमारे पास क्या है, दो लाइंस पैरेलल है एंड उनका एक ट्रांसवर्सल है, तो वी नो दैट कि ये जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस हमारे पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल और कौन सा एंगल, ये एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला सिंबल लगा था, इसलिए यहाँ पे भी हमने ये वाला सिंबल लगा दिया। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो लाइन DE इज पैरेलल टू GF एंड ट्रांसवर्सल क्या है, एंड यहाँ पे बोलेंगे लाइन EG। ओके, लाइन EG इज अ ट्रांसवर्सल। तो देयरफोर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफोर एंगल DEG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इज कॉन्ग्रुएंट, देखो कौन सा एंगल, एंगल DEG, यानी कि ये एंगल दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EGF। ओके, एंगल EGF, एंड रीजन इज वेरी सिंपल, क्या बोलेंगे, यस वेरी गुड, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, बट हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, बट ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल DEG जो है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है, इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। व्हाई? बिकॉज ये जो रे है वो क्या है, हमारी बाइसेक्टर है ये एंगल की,
अगर ये जो रे है वो क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल की, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यहाँ पे ऑलरेडी ये सिंबल बना हुआ था, इसका मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि हम बोल सकते हैं बट एंगल डी जी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कौन से एंगल को, एंगल जी एफ को, ओके, एंगल जी एफ को, और रीजन क्या है, ये हमारे पास गिवन में है, ये हमारे पास गिवन है, यानी कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल डी एफ है, सॉरी, ये जो एंगल डी जी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले एंगल से, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल जी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई जी एफ, ओके, ये मिल गया हमको, यानी कि हमको क्या मिल गया, हमको ये मिल गया कि ये वाला जो एंगल है, एक मिनट यहाँ पे बताती हूँ आपको, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट मिल गया है, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के ये दोनों एंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गए हैं, यानी कि कौन सा एंगल, एंगल ई और एंगल जी, देखो एंगल ई और एंगल जी कॉन्ग्रुएंट मिल गया है, तो अगर एक किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है, यानी कि उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, ये वाली, यानी कि ई जी, ओके, सॉरी ई एफ, और ये वाला जो हमारा एंगल है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, जी एफ, यानी कि जी एफ, यानी कि ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या वी कैन से इक्वल हो जाएंगे, और यही हमको प्रूव करना था, यानी कि वी हैव टू प्रूव ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, या जी एफ भी बोल सकते हो, ये हमने प्रूव कर लिया, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है वो लगा है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल थियोरम, और ये जो थियोरम है वो आपके प्रैक्टिस सेट 3.2 में आपको बताएंगे, एंड आई डोंट नो आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ऑब्वियसली आप ये नहीं सॉल्व कर पाओगे, और यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ओके, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये क्या है, रुको मैं आपको बताती हूँ, टेंशन मत लो, अब देखो यहाँ पे ये हमने क्या किया है, पहले एक बार देख लो, हमने क्या बोला, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, हमारे पैरेलल है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल होगा, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बट हमारे पास क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले हमको क्या मिला कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हमारे पास है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो हमको क्या मिला, ये जो हमारा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ई जी एफ, इन ट्राइंगल ई जी एफ हमारे पास क्या है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इस ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट में जो साइड होगी, ये दोनों एंगल के अपोजिट में जो साइड्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये अपना कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हमको बोलता है, तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ई जी एफ हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एंगल जी ई एफ, देखो एंगल जी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई जी एफ, ओके, ई जी एफ, ये कहां से मिला, यहां से ही मिला है, यहां पे देख लो, एंगल जी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई जी एफ, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इस एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, बताओ, ये जो एंगल ई है इसके अपोजिट मतलब सामने कौन सी साइड है, ये वाली, यानी कि एफ जी, ओके, एफ जी, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ये जो हमारा एंगल है, एंगल जी जो है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, देखो यहाँ पे है एंगल जी, इसके अपोजिट मतलब इसके सामने कौन सी साइड है, ई जी, सॉरी ई एफ, ओके, ई एफ, तो यानी कि अगर ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसके अपोजिट में जो साइड से होगी वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये हमको कौन बोलता है, हियर वी विल राइट द रीजन बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है, ये हमारा थ्योरम है, तो यानी कि दैट इज हम लोग फाइनली बोल सकते हैं हमको क्या चाहिए था, ई एफ इज इक्वल टू व्हाट, एफ जी, ये हमको मिल गया, ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये है हमारा 10th वन, बस मैं आपको यही बोलूंगी ये जो वीडियो है स्पेशली 10th वन के लिए, आप इस वीडियो को कम से कम दो बार जरूर देखना ताकि आपके दिमाग में ये चला जाए, ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ओके, ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है, अभी हम लोग नेक्स्ट बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.2 करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।